हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द मोशन इन प्लेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बच्चों, ये एनसीईआरटी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूजन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का, कि जब दो वेलोसिटी एक बॉडी पर लगती है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम एप्लीकेशन करते हैं। इन माय लास्ट वीडियो मैंने ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बताया था। आप जो लोग बच्चे नहीं देखे हैं, जाके वहाँ सब्सक्राइब करें और उसको देख ले, समझ ले कॉन्सेप्ट एज पर योर एनसीईआरटी। तो बच्चों, वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आप समझिए, दिखने में लंबा है बट इट इज प्रैक्टिकल एंड फिजिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बारिश हो रही है और उसकी जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा चलने लगा विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हवा की रफ्तार है 10 मीटर प्रति सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, तो इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला? एक लड़का छाता लेके खड़ा है तो वो किस डायरेक्शन में अपना छाता को होल्ड करेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए। ओके, विद व्हाट स्पीड डज द रेन स्ट्राइक द अम्ब्रेला? कितना स्पीड से रेन अम्ब्रेला को स्ट्राइक कर रहा है? तो बच्चों, फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको पहले आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप एक रफ डायग्राम बनाइए, जो भी आपका रफ डायग्राम है, जो भी आपके माइंड में आता है, राइट। तो जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो वर्टिकली तो ऐसा ही ना होगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये वर्टिकली, ये रेन हो गया। सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन लिख दीजिए, रेन इस तरह से हो रही है, राइट। आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा चलने लगी इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब ये आपके पास ये और ये यही ऑप्शन है, ये तो वर्टिकली कह दिया क्वेश्चन में, तो एक को नॉर्थ मान लीजिए, एक को साउथ मान लीजिए, तो यहाँ से हवा भी चलने लगी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड। अब लड़का क्या करेगा, ये बारिश हो रही है, लड़का अपने अम्ब्रेला को राइट किस डायरेक्शन में रखेगा सो दैट वो बच सके, बारिश से बच सके, और बारिश उसके रेन जो है हवा अम्ब्रेला को कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसा फिगर मिले, आप देख रहे हैं एक वेलोसिटी, ये आपका मान देते हैं रेन ड्रॉप है, एक वेलोसिटी ऐसा लग रहा है, एक वेलोसिटी ऐसा लग रहा है, दो वेलोसिटी एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं, दो वेलोसिटी एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं, राइट। तो जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा बच्चों, दैट द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी, दैट इज द डायगोनल, लीजिए आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही वो अम्ब्रेला को रखेगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो एंगल बनाएगा रेन के साथ, ये एंगल आपको निकालना है और इसकी मैग्नीट्यूड को निकालना है। दिस टू यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट थीटा कितना होगा और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा। थीटा क्या है? अपने आप को बचाने के लिए वो किस एंगल में, किस डायरेक्शन में छाता को होल्ड करेगा, दैट इज थीटा। और ये वेलोसिटी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से रेन उसके अम्ब्रेला को स्ट्राइक करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को पहले आप पढ़ के समझ के एक रफ डायग्राम बना लीजिए, ओके, छाप लीजिए। ओके बच्चों, लगता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ। देखिए, वही डायग्राम है जो आपने अपने माइंड से बनाया था, वर्टिकल रेन, ये विंड नॉर्थ साउथ, ओके। तो यह मान लेते हैं ये सेंटर में एक रेन ड्रॉप है, तो रेन ड्रॉप में दो वेलोसिटी लग रही है, वी आर एंड वी डब्ल्यू, लेट वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ विंड वी डब्ल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है नॉर्थ टू साउथ में। इसको हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ओ ए एक वेक्टर है जो वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी एक वेक्टर है जो वी डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लड़का जो भी है वो जो अपना अम्ब्रेला वो इसके रिजल्टेंट में रखेगा,
तो रिजल्टेंट क्या होगा, हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। दो वेक्टर जब लगते हैं एक ही पॉइंट में तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं और इसका जो डायगोनल है ये हमको रिजल्टेंट बताता है। तो दैट इज़ द रिजल्टेंट वी। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल निकालना है क्योंकि बारिश वर्टिकली हो रही है थीटा एंगल। तो इन दिस ट्राइंगल अगर हम टेन थीटा अप्लाई कर दें ट्रांस टेन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय डैश होता है, ये परपेंडिकुलर ए सी बाय ओ ए हो जाएगा। ए सी मतलब यही है वी डब्ल्यू है तो वी डब्ल्यू बाई वी आर वन बाई थ्री, टेन थीटा इज वन बाई थ्री और थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ वन बाई थ्री। टेंजेंट इन्वर्स वन बाई थ्री का वैल्यू आता है 18 डिग्री 26 मिनट। ओके दैट इज द एंड। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। मतलब इतना वेलोसिटी से रेनड्रॉप अम्ब्रेला को स्ट्राइक करेगा और लटके को इतना एंगल में छाता को रखना पड़ेगा विथ वर्टिकल विथ रेन ना, रेन के डायरेक्शन में इतना एंगल की छाता को रखना पड़ेगा क्योंकि हवा भी चल रही है ना। अगर रेन हवा नहीं चलती तब तो वो सीधा रखता नहीं, अगर हवा नहीं चलती तो छाता को सीधा रखता। अब हवा चलने की वजह से क्या हो गया कि रेन ड्रॉप में दो वेलोसिटी लग रही है, तो दो वेलोसिटी लग रही है तो रेन ड्रॉप जो है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ मूव करेगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसको इतना एंगल पे छाता को रखना पड़ेगा और इतना वेलोसिटी से रेन ड्रॉप उसको स्ट्राइक करेगा। आया समझ में? क्लियर? छाप लीजिए। हाँ तो बच्चों आइए दूसरा क्वेश्चन उसी से संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता है बच्चों, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज। यहाँ क्वेश्चन को फिर देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी बारिश हो रही है जिसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन में थोड़ा सिचुएशन को चेंज कर दिया है, ए वीमेन राइड से बाईसाइकिल, एक महिला साइकिल चला रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वो भी कहाँ से कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन व्हिच सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगी। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, केवल सिचुएशन को चेंज कर दिया, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है ये। तो यहाँ भी देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, पहले आप डायग्राम बनाइए अपने माइंड से, इस तरह से रेन बरसात हो रही है वर्टिकली विथ स्पीड वी आर, एंड वुमेन राइड्स ए बाईसाइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ मान लीजिए, यहाँ से वुमेन जा रही है इतनी रफ्तार से, नॉर्थ टू साउथ मान लेते हैं इसको, नॉर्थ टू साउथ। व्हाट इज द डायरेक्शन इन व्हिच शी होल्ड हर अम्ब्रेला, तो बच्चों यहाँ यहाँ पे क्या है कि दैट इज दोनों वेलोसिटी जो है, एक वेलोसिटी है एक वेलोसिटी है, राइट, दोनों अलग अलग है, एक ही पार्टिकल पे नहीं लग रहा है। ये वेलोसिटी तो बरसात में हो रही है, बरसात की है, और ये वेलोसिटी वुमेन की है, दोनों की वेलोसिटी दोनों है जो अलग अलग पे लग रही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रेन ड्रॉप, इसी पे वी आर भी लग रहा था और विंड जो फ्लो हो रहा था विंड भी इसी पे लग रहा था वी आर, राइट। तो यू शुड नॉट कन्फ्यूज, सिचुएशन को अच्छी तरह से चेंज किया है। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आप चाहे यहाँ बना लें चाहे यहाँ बना लें, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ माइनस वी डब्ल्यू लिख के, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला इन रिजल्टेंट डायरेक्शन, छाप लीजिए इतना। हाँ बच्चों आप लोगों ने बना लिया होगा, तो देखिए दैट इज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मैंने डायग्राम बना दिया, ये सेंटर इन नॉर्थ टू साउथ विंड इज फ्लोइंग। ओके तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो वेलोसिटी जो है दो अलग अलग बॉडी पे लग रही है, तो यहाँ हमको एक्चुअली क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी का, राइट, ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही बॉडी पे रेन ड्रॉप में दो वेलोसिटी लग रही थी, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, रिजल्टेंट
रिजल्टेंट वेलोसिटी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन। अब इस सिचुएशन में क्या है कि दोनों वेलोसिटी अलग अलग बॉडी पे लग रही है, तो यहाँ हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट से चलना है, राइट। तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन इज दिस वन वर्टिकली एंड देन दैट इज योर वुमेन। वुमेन का वेलोसिटी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज 10 मीटर की रफ्तार से है। बारिश तो हो रही है 30 से और उसकी वेलोसिटी वुमेन की है 10 मीटर प्रति रफ्तार से। तो दैट इज, तो इसको मैंने, इस फैक्टर को मैंने वहाँ ले गया तो माइनस हो गया। तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन, वी आर डब्ल्यू मैंने लिखा है, वी आर डब्ल्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। ये आपका एंट्री, इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी का रिजल्टेंट ही होगा, इसी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही होगा, राइट। दैट इज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन। और ये जो एंगल बनाएगा भाटी के साथ बीटा, तो बीटा भी हमेशा निकालेंगे, दैट इज ये 30 है, ये 30 है, ये 10 है, तो 10 बाई 30 1/3, सो बीटा इज 18°26' एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी फिट पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन तो सिमिलर था, सिचुएशन पर चेंज किया था, तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट ही मेरा चेंज हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब एक ही बॉडी पे दो वेलोसिटी लगे तब तो हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते, और जब अलग अलग वेलोसिटी, दो बॉडी पे अलग अलग वेलोसिटी हो तब रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, छाप लीजिए। आइए बच्चों, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड फिजिकल सिचुएशन। क्या कह रहा है, ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर। एक स्टिल वाटर है, उसमें एक आदमी इतनी रफ्तार से 4 km/h की रफ्तार से स्विम कर सकता है, ओके। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 km/h। एक रिवर है जो कि 1 km/h है, उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। इफ द रिवर फ्लोज स्टेडिली एट 3 km/h, अगर रिवर की में जो वाटर है उसकी स्पीड 3 km/h है, स्टेडिली मतलब कॉन्स्टेंटली, एंड ही टेक्स इज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट। उसने एकदम परपेंडिकुलर उसमें जंप मारा है, रिवर में परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो हाउ फार डाउन द रिवर, जैसा कि नदी में अगर हम यहाँ से जंप मारेंगे तो हम सीधा वहाँ नहीं मतलब आएंगे, हम कुछ इस साइड चले जाएंगे क्योंकि रिवर करंट हमको पुश कर जाएगी। तो वही कह रहा है, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो दूसरी बैंक में जब वो पहुँचेगा तो कितनी दूरी वो चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप समझ के एक रफ डायग्राम माइंड में बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका नदी है, ये नदी है, इसकी चौड़ाई मान लीजिए 1 km है, यही तो दे रखा है ना, 1 km चौड़ाई, ये 1 km wide है। एक आदमी इस बैंक में मान लीजिए ओ से, ये ओ है, यहाँ से वो डाइव करता है, परपेंडिकुलर डाइव करता है, परपेंडिकुलर। तो आप ऐसा बना दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, मान लीजिए ये P है और इस पर वो वेलोसिटी Vm, वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब Vm से जाना चाहता है, लेकिन चूंकि नदी है, पानी का करंट है, इसमें बहाव है, राइट, तो ये यहाँ डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, ये पुश हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पुश हो गया Q पे और ये, ओके, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है। तो देखिए फिगर से आपको साफ साफ क्लियर हो गया ना कि उसने यहाँ पे जंप मारा था, परपेंडिकुलर जंप मारा था और वो इस वेलोसिटी से, Vm वेलोसिटी से सीधा जाना चाहता था, लेकिन पानी में करंट है, पानी में बहाव है, पानी में स्पीड है, उस स्पीड को हम Vw मान लेते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से वो पुश हो गया, पुश होके वो Q पॉइंट में चला गया। तो यहाँ से ओ क्यू जो है, ये जो दूरी है, इसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी,
वी होगी रिजल्ट एंड वेलोसिटी। तो ये टाइम पूछ रहा है, तो टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, जैसा कि आप जानते हैं ना, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो मेरा 1 किलोमीटर ही है ना, अगर बॉडी अगर आदमी यहाँ से यहाँ जाता है डिस्टेंस 1 किलोमीटर, बाय वेलोसिटी वी आर, राइट। अगर हम इसको लें ना तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ओ क्यू डिस्टेंस हो जाएगी एंड वेलोसिटी भी, मतलब टाइम हम यहाँ दो किस्म से निकाल सकते हैं, दैट इज ओ पी बाई वी एम, और इट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ओ क्यू बाई वी। ये समझ में आया, बस यही चीज़ इसमें समझना है आपको, इतना टाइम से हो जाएगा। और फिर हाउ फार डज इट गो, यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला जाएगा, तो डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पी क्यू बराबर डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू टाइम, जो आप यहाँ से निकालेंगे पुट कर दीजिए आ जाएगा, कर छाप लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। बच्चों यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने भी आपके लिए कर दिया। मान लेते हैं उस आदमी ने यहाँ पे यहाँ से ये नदी है 1 किलोमीटर वाइड, उस आदमी ने यहाँ से स्विमिंग करना स्टार्ट किया नॉर्मली, तो उसके पास वेलोसिटी क्या थी, वी है। वो यहाँ से यहाँ जाना चाहता था लेकिन ड्यू टू रिवर करंट वो पुश हो गया ओ क्यू, राइट। तो दैट इज तो ओ क्यू जो ये डिस्टेंस पुश हो गया, इसमें जो वेलोसिटी एक्ट होगी वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इसकी और इसकी वेलोसिटी। यहाँ हम ट्राइंगल लॉ का अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ट्राइंगल लॉ बच्चों, ट्राइंगल लॉ, ओके। तो वी आर अप्लाइंग यह ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी से वो यहाँ दूरी पे जाएगा। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू आइदर दिस डिस्टेंस बाय दिस वेलोसिटी और टाइम इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस बाय दिस वेलोसिटी, दोनों टाइम सेम होगा। तो मैंने किया है 1 किलोमीटर बाय 4, तो 1/4 आवर, डेट इज़ 15 मिनट्स, उसको रिवर क्रॉस करने में 15 मिनट लगे, और वो कितनी दूरी चला गया अपने इस पॉइंट से, वो इस पॉइंट में जाना चाहता था यहाँ से, वो कितनी दूरी चला गया, तो डेट इज़ अगेन पी क्यू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी दिस टाइम, तो 0.75 किलोमीटर, यानी कि 0.75 किलोमीटर वो दूरी चला गया। अब सबको आया होगा ना, तो प्लीज़ छाप लीजिए। आइए बच्चों, बेटा सी अंदर क्वेश्चंस उसी टाइप का है, बट सिचुएशन को चेंज कर दिया गया है। ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस। ए बोट मैन कैन रो विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में एक बोट मैन जो है वो इतनी रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रो कर सकता है। इफ़ द रिवर फ्लो स्टेडिली एट 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर में जो वाटर है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। वो जहाँ से स्टार्ट किया है उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट में वो जाना चाहता है, ऑन द अदर बैंक, तो वो किस डायरेक्शन में वो बोट को रोइंग करेगा। And the width of the river is 2 किलोमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ के आपके माइंड में जो भी सवाल का नक्शा बनता है उसको बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका नदी है, राइट, इसकी 2 किलोमीटर ये वाइड है, राइट। पोर्टमैन यहाँ से ये ओ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट पी पे जाना चाहता है, राइट। डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, डायरेक्टली जाएगा तो पुश हो जाएगा वो, राइट। इसलिए वो मतलब अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको रोइंग इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, राइट। ये मेकिंग सम एंगल थीटा से उसको रो करना पड़ेगा। तो ये थीटा का मान क्या होगा इसको आपको निकालना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल से कितनी एंगल, हम जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल से मेजरमेंट करेंगे, तो टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम कौन सा नियम का यूज़ करेंगे, ट्राइंगल लो भाई। वह बोट मैन यहाँ से मान लेते हैं इस एंगल से वो जा रहा है, राइट, यहाँ जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरा भी हो जाएगा, ये क्लियर ना। तो बनाइए, सॉल्व करिए, छाप लीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बना लिया होगा, फिर भी देख लीजिए। ये आपका रिवर था,
दो किलोमीटर वाइड है। बोट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, उसको यहाँ जाना चाहता था स्टर्म और ठीक उसके विपरीत अपोजिट, तो वो इस साइड तो नहीं करेगा, इसी साइड वो डाइव करेगा, इसी साइड से बोट को ले जाएगा। मान लीजिए यहाँ से वो एंगल थीटा बना के इस वेलोसिटी से यहाँ पे ले जा रहा है, अब क्योंकि पानी है इसमें सब, तो ड्रिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। पानी की वेलोसिटी कितना वी डब्ल्यू, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, तो ये ट्राइंगल को कम्प्लीट कर रही है, तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। यहाँ जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो वी होगा, राइट। तो इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा इज दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज योर परपेंडिकुलर वी डब्ल्यू बाय हाइपोटेन्यूस वी वी। ये आपको दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा 0.5, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, मतलब वो 30 डिग्री यहाँ से डाइवर्ट करेगा, 30 डिग्री एंगल बना के वो बो को रोइंग करेगा। और रिवर करंट, पानी तो यहाँ से फ्लो हो रहा है, रिवर करंट से कितना एंगल हो जाएगा, रिवर करंट से ये पूरी एंगल हो जाएगी, तो 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, बच्चे 120 लिखना भूल जाते हैं, तो 120 मतलब उसके रिवर करंट से कितना डाइवर्जन करेगा, ये डाइवर्जन तो आपने यहाँ से निकाला है, दैट इज परपेंडिकुलर से डाइवर्जन निकाला है, लेकिन रिवर करंट से फिजिकल सिचुएशन में मान लो नदी ऐसा जा रहा है तो हमको तो रिवर करंट के अनुसार ही तो डाइविंग करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट परपेंडिकुलर, हमको रिवर करंट से लेना है, तो 120 डिग्री इज द आंसर। छाप लीजिए बच्चे, लेटर सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अक्सर आप एग्जाम में पूछते हैं और बच्चे मिस्टेक पक्का करते हैं, बच्चे दे डू मिस्टेक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बच्चे मैंने वही क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और जो आपको एज ए 11 साइंस स्टूडेंट आपको समझना चाहिए, कम से कम इतना कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कहाँ हम ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे, कहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, ओके। तो एक क्वेश्चन में लेके आए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। आई प्लस जे, जैसा कि बच्चे आप जानते हैं आई जे के ये सब क्या होते हैं, दी जा रहा था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता ही है, कोई भी यूनिट वेक्टर हम वेक्टर वाई इट्स मैग्नीट्यूड करते हैं, राइट। तो अब ये कह रहा है कि आई प्लस जे का आपका मैग्नीट्यूड निकालना, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इस हम ये फार्मूला लगाते हैं, कोई भी दो वेक्टर है, राइट। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, यही है आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट जो भी लगाते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज अंडर रूट, हाँ इसका वैल्यू तो वन, ये तो वन स्क्वायर, इसका भी वन स्क्वायर प्लस टू, फार्मूला से आ गया वन इंटू वन कॉस आई और जे में एंगल कितना है 90 है, कॉस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा वन प्लस अंडर रूट टू, मतलब 1.414 यूनिट्स, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। अब इसका डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं ये आपका, ये तो आई कैप हो गया, ये आपका जे कैप हो गया, अब इसकी आई प्लस जे का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन टेन थीटा ना, वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट दैट इज जे बाय आई, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड 1/1 दैट इज 1, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब आई प्लस जे का जो डायरेक्शन होगा 45 डिग्री। तो बच्चों ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे है, दैट इज वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, क्लियर। छाप लीजिए। ठीक, इसी तरह से आप आई माइनस जे का निकाल सकते हैं ना, आई माइनस जे का निकालिए, निकाल दूँ इसको, आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इज योर दैट इज अंडर रूट
स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 तो डेट इज अगेन रूट टू डेट इज 1.414 मीटर्स। इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे टेन थीटा दैट इज माइनस वन बाई वन दैट इज माइनस वन तो थीटा है क्या उसकी माइनस 45 डिग्री। डायग्राम कैसे दिखाएंगे ये आई है ये माइनस से है ये आपका आई माइनस से है आई माइनस से एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री दैट इज माइनस 45 एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर एंड वेरी सिंपल। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे 45 डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे माइनस 45 सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। अब बच्चों एक और सवाल जो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन करते हैं मान लीजिए क्वेश्चन है कोई वेक्टर है टू आई ये वेक्टर है टू आई प्लस थ्री जे ओके और एक वेक्टर है दैट इज बी मान लेते हैं दैट इज आई प्लस जे। क्वेश्चन है कि ए का फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये क्वेश्चन है ए का प्रोजेक्शन निकालना है दो वेक्टर है ए एंड बी ये आपको क्या निकालना है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी निकालना है। तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं प्रोजेक्शन का मतलब होता है दैट इज इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इसको कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन निकालना है हमको तो प्रोजेक्शन ऑफ ए इज ए कॉस थीटा। तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट यूज कर देते हैं ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू योर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये प्रोजेक्शन है चाहे कोई भी वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा या बी कॉस थीटा निकाल सकते हैं मेरी सिंपल फार्मूला यहाँ वेक्टर ए डॉट बी है दोनों का हम इसके अलावा प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे तो इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट हम लोग अब इन नेक्स्ट चैप्टर जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं ऐसे ही बता दिया कि ये क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर में आ जाता है ओके तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या हो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो आई होप आपने अभी क्लास एंजॉय किया होगा वीडियो एंजॉय किया होगा लगे रहिए सवाल लगाते रहिए थैंक यू।